नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर वाले थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को। वैसे तो इस टेंडर को पूरे इंडिया में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर ये जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल ये टेंडर लाया गया है। अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक RFP हमारे स्टेट के लिए भी आएगा, तो वो RFP आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, मिशन यूथ J&K सिविल सेक्रेटरेट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर एक RFP निकाला है। और अब दोस्तों, आपको कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनना है, क्योंकि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बेहतरीन RFP है आपके लिए, क्योंकि इसमें टर्नओवर, स्टूडेंट के प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसकी कंडीशन बहुत ही नॉर्मल रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एक एक करके हम इनकी सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स पर आप नज़र डाल लें, डेट पर नज़र डालें। तो सबसे पहले ये 13 तारीख को RFP पब्लिश हुआ है, और इसको आप jktender.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। एक इम्पोर्टेंट डेट और नोट कर लीजिए, 2/8/2023 को आपको ये ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिशन यूथ, JNK, रूम नंबर 512, 5th फ्लोर, सिविल सेक्रेटरेट, श्रीनगर। और फोन नंबर और ईमेल आईडी भी आप लोगों को दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण डेट्स के बाद अब आप आ जाइए कि इसके इम्पैनलमेंट की फीस क्या है। दोस्तों, मैं आपको शुरू से कह चुका हूँ, इस RFP की जो शर्तें हैं वो बहुत नॉर्मल है। 5,000 rupees ओनली फीस है इस RFP को सबमिट करने की। जब आपको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा तो वर्क ऑर्डर के 5% के इक्विलेंट आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी होगी। वो तब देनी होगी जब आपको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 5,000 रुपये फीस देकर आप ये RFP को भर पाएंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइंट वेंचर अलाउ नहीं है। आप यहां पर किसी के साथ कंसोर्टियम पार्टनर या ज्वाइंट वेंचर पार्टनर बनकर इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन। पहले मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इवेल्युएशन क्राइटेरिया यानी कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक क्राइटेरिया की बात करता हूं, द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी ए रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए सोसाइटी एक्ट में, कंपनी एक्ट में या एनी अदर रेलिवेंट एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन JNK ओनली। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, JNK के अंदर उसका ऑफिस होना, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होना जरूरी है। अब आ जाइए दोस्तों, उसके अलावा पिछले प्रीवियस ईयर में 100 कैंडिडेट जिस सेक्टर में वो अप्लाई करे उस सेक्टर का 100 कैंडिडेट उसको ट्रेन किया होना चाहिए। क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर ऑन इट्स पेरोल ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, यानी एक मैनेजमेंट टीम भी और ट्रेनर भी दोनों आपकी पेरोल पर होने चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग सेंटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और प्लेसमेंट 70% क्लास को उसके LY होना भी जरूरी है, कहीं भी बैंक करप्ट ना किया हो किसी ने, ना ब्लैकलिस्टेड किया हो। और एवरेज टर्नओवर, मिनिमम एवरेज टर्नओवर 30 लाख। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर वालों के लिए स्पेशल टेंडर बना है, 30 लाख का टर्नओवर कोई बड़ा टर्नओवर नहीं हो सकता, इसलिए छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब आइए दोस्तों, जो इससे भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसमें आपको आपको पहली बात आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। और 100 में देखिए दोस्तों, कोई 70 नहीं रखा गया है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये टेंडर बताते हुए भी कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई जो रखा गया है मार्क्स, वो 40 पॉइंट्स हैं। 40 मार्क्स यानी कि अगर आपको क्वालिफाई कर लिया जाता है तो वो शॉर्टलिस्ट 100% होगा। टारगेट कितना मिलेगा वो उसके ऊपर है। सबसे पहले प्रेजेंस इन स्टेट ऑफ UT ऑफ इंडिया, 10 मार्क मिलेंगे टोटल, लेकिन इसमें भी आपको अगर 4 से पहले जो है ना आपको एलोकेटेड किए जाएंगे 3 स्टेट के लिए, 1 से 3 आपको जो है टोटल स्टेट 1 मार्क्स और 4 से 6 आपके 2 मार्क्स, इस तरह आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा प्रेजेंस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT, अगर आपकी जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी प्रेजेंस है तो 10 मार्क आपको मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट,
100 बच्चों का मिनिमम क्राइटेरिया है, 100 से 500 में आपको 2 मार्क मिलेंगे, परंतु अगर 2000 से ऊपर है तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। प्रीवियस प्लेसमेंट में 71% मिनिमम है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 90% से अबव है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर चिंता मत कीजिए, यहाँ प्लेसमेंट्स का कोई डाटा आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है आपको अपने लेटर एड पे। इसके लिए आपको कोई डिपार्टमेंट का क्लोजिंग लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम प्लेस कर देते हैं परंतु डिपार्टमेंट उसका क्लोजिंग लेटर नहीं देता है, जिससे हमारा ये प्रपोजल मजबूत से कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप कीजिए, शानदार, उसमें लिखिए कि हमने इतना इतना कैंडिडेट इतनी इतनी स्कीम में ट्रेंड किया है, इतना कैंडिडेट प्लेस किया है, उसको आपके ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन कराइए और लेटर आपका तैयार हो गया। क्वालिफाई फैकल्टी जो मेंबर है वो आपका अगर 10 से ज़्यादा है तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 1 to 5 है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। एवरेज टर्नओवर मिनिमम 30 लाख है, लेकिन अगर आप 90 से ऊपर हैं तो पूरे 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, 100 की 100 के लिए मात्र 40 नंबर चाहिए। आप आ जाइए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपन कैसे स्टैंडर्ड को लगाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको टेंडर की चेकलिस्ट से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर ने इस टेंडर के अंदर शानदार पेमेंट जो है शेड्यूल आपको दिया है। फर्स्ट ट्रेंच 30%, सेकंड ट्रेंच 50%, अभी तक कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50% नहीं दे रहा है, थर्ड ट्रेंच 20%। ये रेशो आज से 3 या 4 साल पहले दिखाई देता था, फिर से दिखाया है जम्मू कश्मीर ने। तो पेमेंट शेड्यूल शानदार है। पेमेंट शेड्यूल के बाद आ जाइए दोस्तों, एक चेकलिस्ट जो आपको बिल्कुल प्यार से ध्यान रखनी होगी, इस चेकलिस्ट को आप मिस मत कीजिए और इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे। उससे पहले मैं वो चेकलिस्ट दिखाऊं। सबसे पहले एक फोकस सेक्टर आप देख लीजिए, सेक्टर यहाँ प्रपोज किए गए हैं, उन सेक्टर के सब सेक्टर भी प्रपोज किए हैं। तो टेंडर लगाते वक्त, क्योंकि वो 100 बच्चा आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में होना जरूरी है, इसलिए जब भी आप टेंडर लगाएं तो ये लिस्ट जरूर कर लें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सेक्टर का चुनाव सही से कर पाएं। गलत सेक्टर का चुनाव आपका टेंडर कैंसिल हो जाएगा, गलत सेक्टर का चुनाव मत कीजिएगा। अब आ जाइए दोस्तों, वो चेकलिस्ट जिसकी मैं काफी देर से बात कर रहा था, देखिए आपकी स्क्रीन पर चेकलिस्ट। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल के लिए अनेक्चर 1, अनेक्चर 2 में टर्नओवर का फॉर्मेट दिया गया है, सीए की लेटर एड पे देना होगा, पास्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हिस्ट्री के लिए एक्सेल भी दी गई है और साथ में रिकॉर्ड भी आपको सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको ये टेंडर नहीं मिलेगा। टेंडर बनाते वक्त आप ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आपसे मांगी गई है मात्र लिखने से नहीं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जस्टिफिकेशन उसके साथ लगाना होगा। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर, पीएमयू डिटेल्स, पीएमयू से आप कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जैसे आपका प्रोजेक्ट हेड कौन है, उसमें आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, एमआईएस हेड कौन है, मोबिलाइजेशन हेड कौन है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कौन है, इन सब लोगों की डिटेल आपको देनी होगी। कवरिंग लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्मेट दिया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ नॉन ब्लैकलिस्टिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, जॉब रोल अप्लाइड फॉर सेंटर वाइज इसके लिए भी फॉर्मेट दिया गया है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जॉब रोल अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना, जिसमें आपने टारगेट प्रीवियस किया हो उन्हीं सेक्टर के जॉब रोल में अप्लाई करना, ऐसे मत अप्लाई कर देना। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिटेल्स के लिए लेक्चर दिया गया है, फैकल्टी यानी कि ट्रेनर आपके पास होने चाहिए और आपकी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, किस प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो भी आपको बताना होगा। ये लेक्चर्स जो मैंने आपको बताए हैं, वैसे तो आप ये आरएफपी की कॉपी जेके टेंडर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अनेक्चर 1 देखिए आपकी बेसिक डिटेल्स वाला है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अनेक्चर 2 आपको सीए की लेटर एड पर देना है, ये टर्नओवर के लिए है, 3 साल का टर्नओवर 2020, 2021, 2022, 2022, 2023। अगर आपका 2223 कंपनी है तो आपकी नई हुई होगी तो आप एक साल कम करके दिखाइए, या फिर इनसे पास्ट क्वेरी में जम्मू कश्मीर से पूछिए कि 22-23 की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उस केस में आप क्या करेंगे। पास्ट ट्रेनिंग रिकॉर्ड के लिए भी आपकी स्क्रीन पर परफॉर्मा दिया हुआ है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना ना भेजें, ना भूलें। एग्जिस्टिंग सेंटर आपके अनेक्चर 4 के अंदर दिया गया है, हर चीज का अनेक्चर आपको दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए अनेक्चर 5 है, कवर लेटर के लिए अनेक्चर 6 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी में आप कंफ्यूज मत होइए,
पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है वो व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स की डीलिंग जेके एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट से करेगा। आप उस बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं, या आपका ऑपरेशन मैनेजर भी हो सकता है, आप डायरेक्टर खुद भी हो सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यानी किसी समझदार व्यक्ति को आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नॉमिनेट करना है। फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन ब्लैकलिस्टिंग डिक्लेरेशन का भी फॉर्मेट दिया गया है एनेक्चर 8 में, और 9 में जॉब रोल का भी दिया गया है कौन सा जॉब रोल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेंटर की फैकल्टी का प्रोफाइल, 10 में ट्रेनिंग प्लेसमेंट है, सेंटर फैकल्टी एनेक्चर 11 में है। इस प्रकार से दोस्तों ये सारा टेंडर आपको सबमिट करना है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस शानदार टेंडर को जम्मू कश्मीर के लोग मत छोड़ें, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए इस साल का अंतिम मौका हो। धन्यवाद दोस्तों, उसके लिए कोवाट के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।